इस टाइम हमारे जो है ना इस तरह भी बहुत जो है ना जमे गफीर है, इसमें पता नहीं चला कुछ हमारे जो है ना एक दो खवातीन ज़्यादा शदीद ज़ख्मी हुए थे उनको भी हॉस्पिटल ले जाया गया है, और इसके साथ हमारी कुछ बूढ़े थे जिनमें सांस की कमी की वजह से मेरी अपनी तबीयत ख़राब हुई थी, मेरी हालत ख़राब हुई थी, मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, ऑक्सीजन लगाया गया, अभी मैं वापस आया हूँ। चूँकि ये शेलिंग्स जो हुई है, मुझे लगता है जिस तरह हमारे ऊपर इससे पहले इस्लामाबाद में जो शेलिंग हुई थी उसी की तरह एक्सपायर हम पे शेलिंग किए गए, जिससे बहुत सारे मुलाजमी की हालत खैर हो। आइंदा का अलामल अभी हम कुछ देर में भी हम अपनी एक्शन कमेटी का जो है ना मीटिंग बुलाएंगे, उसमें हम अपनी आइंदा का अलामल का ऐलान करेंगे। इस टाइम हमारी पूरी बलोचिस्तान में हमारे मुलाजमीन सरापा एहतजाज है, अगर हमें संजीदगी से नहीं लिया गया, इसी तरह हम पे जुल्म ज्यादती की गई, तो उसके बाद आइंदा का ये भी हो सकते हैं हम सख्त से तस्लीम करो। लाठी गोली की सख्ती नहीं चलेगी, हमारे मुताल करेगी नहीं चलेगी, पुलिस कर दी तस्लीम करो, तस्लीम करो, हक हमारा 25 पर करेंगे, 25 पर पुलिस के गुंडा कर दी नामंजूर, पुलिस कर दी आपने पिछले साल भी देखा कि ये DRA के हवाले से हमने 12 दिन धरना दिया, फिर हमारे धरने को अदालत की नज़र किया गया, इसी तरह फिर हमारे साथ एक कमेटियाँ बन गई, कमेटी मुजाकरात करते हुए DRA के हवाले से पूरे पाकिस्तान में 25% का इजाफा तनख्वाहों में हुआ, लेकिन बलूचिस्तान को 15% दिया गया, और ये कह के कि हम 10% आपको 3 महीने के बाद देंगे। 3 महीने के दौरान हमने कई चिट्ठियां गवर्नमेंट को लिखी, यहाँ पे गवर्नमेंट की तब्दीली भी आ गई, आपके सामने थी, और तब्दीली जब आ गई तो वज़ीर आला साहब ने अपने पहले खिताब में कहा कि सबसे अवली मेरी तरजीह होगी कि मैं मुलाजमीन की मसाइल हल करूं। उसके बावजूद हमने कई बार उन्हें रिक्वेस्ट भेजा, मुलाकात के लिए रिक्वेस्ट भेजा, मसाइल के हवाले से रिक्वेस्ट भेजा, ताहाल हमसे कोई मुजाकरात नहीं हुआ। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% इजाफा किया, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी किया कि आप भी इनको दे दें। लेकिन मुझे दुख से कहना पड़ता है कि बलूचिस्तान में न गवर्नमेंट है, न गवर्नमेंट ज़ात की कोई चीज़ नज़र आ रही है। हम तो पिछले 7 तारीख को भी हमने एहतजाज किया, हमने यही मुतालबा किया कि हमारे साथ बैठ के मुजाकरात किया जाए, लेकिन ताहाल नहीं हुआ। आज चूँकि हमारा प्रोग्राम बहुत बड़ा था, तमाम डिस्ट्रिक्टों ने आना था, 1 लाख के करीब तकरीबन हमने टारगेट दिया था गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ ऐसे हालात मजबूरी थी और जो हुकूमत की सूरत हाल देख के हमने तमाम अपने डिस्ट्रिक्टों को रोक दिया। आज ये जमे गफीर नज़र आ रही है, सिर्फ ये क्वेटा की है, तो इंशाल्लाह अगर हमारे मुतालबात पर आज भी गौर नहीं हुआ तो ये क्वेटा का एहतजाज फिर जाके पूरे पाकिस्तान में एहतजाज में तब्दील होगा, फिर ये बलूचिस्तान का जो एहतजाज होगा ये फिर फेडरल में जाके पूरे पाकिस्तान में तब्दील होगा। यकीनन हम तो चाहते हैं कि हमारे साथ बैठ के नेगोशिएशन करें, लेकिन वज़ीर आला साहब न जाने क्यों किसके कहने पे मुज़ाकरात नहीं कर रहे हैं, तो यकीनन जब हमसे कोई बैठेगा नहीं,
कोई हमसे बात करेगा नहीं, बात करने के लिए तैयार नहीं होगा, तो हमारे साथ दूसरा रास्ता एहतजाज के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। देखिए, उन्हें तो लाठीचार्ज करने नहीं चाहिए, अगर वो लाठीचार्ज करेंगे तो ये उनका मसला है। मैं तो कहता हूँ कि कम से कम एहतजाज हमारा जमहूरी हक है, आईने पाकिस्तान के तहत हर पाकिस्तानी को उसको एहतजाज करने का हक है। अगर एहतजाज को तशद्दुद के ज़रिए रोका जाएगा तो इसका रिएक्शन फिर कुछ ज़्यादा ही आएगा। तो मैं तो ये समझने में कासिर हूँ कि हमारा राइट है, हम पुरमन एहतजाज कर रहे हैं, हम पुरमन प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर उस पर कोई लाठियाँ बरसाएगा, उस पर कोई शेलिंग करेगा, कोई गिरफ्तारी करेगा, तो यकीनन उसके बाद रद्द अमल भी सख्त आने का इंतजार है। जिस तरह आपने फरमाया कि दफातर के हवाले से, देखें हम पुरम लोग हैं, हम चाहते हैं कि पुरम तरीके से हमारे मसाइल का हल निकाला जाए। हम जाएंगे वज़ीर आला हाउस के सामने बैठेंगे, धरना देंगे, अगर कोई हमें सुनता है तो बहुत अच्छी बात है, हम मुज़ाकरात के ज़रिए अपने मसाइल को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर कोई हमें नहीं सुनेगा, आज यहाँ पर बलूचिस्तान भर के तमाम मुलाजमीन, सिर्फ डिस्ट्रिक्ट क्वेटा के जो लोग बैठे हुए हैं, आज पूरे बलूचिस्तान में तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। अगर हमारे मसाइल का हल नहीं निकाला गया तो बीइंग ए डिविजनल प्रेसिडेंट टाइप का ज़िला क्वेटा, हमारे कायदीन हमें जो भी हुक्म देंगे हम उन अहकाम पर मुकम्मल अमल दरामद करेंगे। दाद मोहम्मद बलोच की सरबराई में अगर वो हमें कहेंगे कि तालेबंदी करें, हम तालाबंदी करेंगे। अगर वो हमें कहेंगे कि रोड ब्लॉक करें, हम रोड ब्लॉक करेंगे। अगर वो हमें कहेंगे कि जितने भी शाहराएँ हैं उनको ब्लॉक करें, हम सब कुछ करने को तैयार हैं। हम अपने डिमांड से कभी भी एक इंच भी हम पीछे नहीं हटेंगे। मोड़ ले रहे हैं प्रोग्राम के, फिर आपको दिखाएंगे।